नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। वृश्चिक राशि ग्रहों का महापरिवर्तन क्या आपके भाग्य को बदलने वाला है? क्या कुछ होगा जब बड़े ग्रह एक साथ परिवर्तित होंगे और आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे? आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो उन सभी वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं का है जिनकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है। तो ग्रहों का यह परिवर्तन किस प्रकार से ग्रहों का समीकरण बनाएगा, आइए जान लेते हैं गोचर कुंडली के माध्यम से। तो स्क्रीन पर आपके सामने एक गोचर कुंडली है, 8 नंबर की यानी कि वृश्चिक लग्न की यह कुंडली है। और देखिए अब ध्यान से, 8 अगस्त से मंगल जो है सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं दशम भाव में। 16 अगस्त से शुक्र भी दशम भाव में होंगे। 17 अगस्त से सूर्य भी दशम भाव में होंगे। 26 अगस्त से बुध भी दशम भाव में होंगे और बीच बीच में चंद्रमा भी गोचर करने वाले हैं। तो 17 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य ये 5 ग्रह आपके जीवन पर क्या बड़ा प्रभाव डालेंगे, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। और ये ग्रहों का जो समीकरण है किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशियाँ या किस प्रकार से कुछ दिक्कतें लेकर आ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल की 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, सूर्य की 7वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर हम दृष्टि संबंध को भी देखेंगे और उसके साथ साथ इनका एक भाव में बैठना भी देखेंगे। दशम भाव में बैठे हुए हैं सारे ग्रह। सूर्य स्वराशि के होंगे, शुक्र के लिए सिंह राशि शत्रु राशि है, मंगल व बुध के लिए मित्र राशि है, चंद्रमा के लिए भी मित्र राशि है। सूर्य और मंगल की युति का जो मिलना साहस योग को बनाएगा, शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी, सूर्य बुद्ध आदित्य योग भी बनेगा और बीच बीच में चंद्र मंगल की युति से धन योग भी बनेगा। ग्रहों के ये सभी संयोग, ये दृष्टियां 10वें भाव में होंगी और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा 17 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य, ये मैं आपको इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। इसका शुभारंभ करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। इस समय अंतराल में आप सभी महिला पुरुष व बच्चे साहस व ऊर्जा से भरे होंगे। आपके अंदर कुछ न कुछ कर गुजरने का जज्बा और इच्छा शक्ति होगी। दूसरों पर शासन करना, हक जमाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। विरोधियों को शांत करने का आप दम रखेंगे, यानी शत्रु आपके सामने नजरें नहीं खा पाएगा। आपके अंदर ऐसा कुछ करने की क्षमता होगी जो लंबे वक्त तक लोग याद रखें, यानी कि आप कुछ इतिहास बना सकते हैं इस समय अंतराल में। फिल्मी दुनिया में लक आजमाने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप योग्य हैं तो कला के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। कलाकार हैं तो फिल्मी दुनिया, मॉडलिंग, टीवी मीडिया में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आपकी बुद्धि बहुत तेज रहेगी, आपके फैसले बहुत बढ़िया होंगे, निर्णय लेने की क्षमता ग्रह बहुत बढ़िया बनाएंगे। धन कमाने से लेकर धन जोड़ने तक के आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे और आपको वक्त वक्त पर शानदार वक्त जीने का भी मौका मिलेगा जिसकी कल्पना आपने शायद ना की हो। मंगल आपको धनवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको मंगल वाहन का सुख, घर का सुख देंगे। किसी भी प्रकार से आप यदि सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। पुलिस लाइन से जुड़े हैं, मिलिट्री लाइन से जुड़े हैं, डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मंगल आपकी माता जी की सेहत पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। आपके विचार आपके जीवन साथी से शायद किसी किसी बातों पर नहीं मिलेंगे, इस वजह से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सूर्यदेव जहाँ आपको एक तरफ बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, वहीं आपके अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। सरकारी पदों पर यदि आप चयनित होना चाहते हैं तो प्रयास करें, वक्त आपके साथ है। सरकार या सरकारी विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मन मुताबिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। आप अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक विचार लेकर आएँ और नंबर 1 से पैसा कमाने की सोचें, नंबर 2 के रास्ते बिल्कुल भी अख्तियार ना करें। और अपनी माता जी की सेहत का यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा, पिताजी से आपके संबंध बढ़िया बने रहेंगे। शुक्र जहाँ एक तरफ आपके अंदर रूप रंग लेकर आएंगे, सौंदर्य लेकर आएंगे, वहीं आपको बड़ी धन दौलत दिलाएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी दिलाएंगे। आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी, विवाह के लिए मार्ग खुलेगा। जो भी लोग अविवाहित हैं विवाह में चल रही दिक्कतें समाप्त होंगी। आप मियाँ बीवी का जो अटैचमेंट है वो और बढ़ेगा, आप लोग और रोमांटिक मूड में चले जाएंगे। फिल्मी दुनिया, मॉडलिंग, टीवी मीडिया से जुड़े लोगों के लिए शुक्र भी लाभ दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको शुक्र का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देश विदेश की यात्रा सुखद रहेगी, जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान में आस्था रखिएगा, शुक्र आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। बुध भी आपको
आपका सहयोग करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आपको सरकारी पदों पर बिठा देंगे या सरकारी पदों के नजदीक लेकर चले जाएंगे। बुध की सहयोग से आप व्यापार में तुरंत लाभ की संभावनाओं को पैदा कर लेंगे, यानी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लाभ कमाने के लिए। आपके पास बुध की कृपा से धन आएगा और आप इस समय अंतराल में चंद्रमा की कृपा से भी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, धन को प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में समय बढ़िया रहने वाला है। आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव दे रहे हैं ये सभी ग्रह, और आपका समय पहले से अब बहुत अच्छा बीतने वाला है। लाभ उठाएं ग्रहों के इन सभी संयोगों का। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, कहीं से भी बहुत ज्यादा निराशा दिखाई नहीं पड़ती है। तो जब ग्रह साथ दे रहे हैं तो आप भी कोई गलती मत करिएगा, वक्त का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। और यदि आपके जीवन में फिर भी खुशियां कम आ रही हैं या बिल्कुल नहीं आ रही हैं, आप परेशान हैं, तो अपनी कुंडली की विवेचना कराएं। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां या कारण हो सकते हैं आपको खुशियों के ना मिलने के। तो हम कुंडली की विवेचना करेंगे, उसके हर पहलू को जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, उसी अनुसार फिर हम उपाय करेंगे और उपाय करके निश्चित तौर पर जीवन को सुखद बना लेंगे। जिनके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ ये ग्रह दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, उनको मुबारक हो। और जिनके जीवन में दिक्कत है वो संपर्क करें और हमसे बात करने के बाद निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से, ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से मैं आपके जीवन में ज्योतिषी माध्यम से खुशियां लाने का प्रयास अवश्य करूंगा। आपको सिर्फ संपर्क करना है। हरिओम, नमस्कार।